हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे रोस्टर फॉर्म और सेट को अच्छी तरीके से जान चुके थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट्स को और सेट्स में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड होता क्या है इसको अच्छी तरीके से जानेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में सेट बिल्डर मेथड में हम क्या क्या करते हैं और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और हम इस वीडियोज़ के एंड तक हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 क्या कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेट बिल्डर मेथड। और हमने यहाँ तक कर चुका था, यहाँ तक ये भी पढ़ लिया था। तो हम क्या सीख रहे थे, हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई योर सेट। इसमें हमने सीखना था किसको, ये मेथड हो गया था। नेक्स्ट मेथड हमें क्या करना था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म अंडर दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट विल लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब सेट बिल्डर मेथड में एक्चुअल में हम करते क्या हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करते। एलिमेंट्स वो किस प्रॉपर्टीज पे बेस है या फिर किस प्रॉपर्टी को वो शो कर रहा है या फिर किस रूल के अंडर वो एलिमेंट्स लिखा गया है, उस रूल को लिखते हैं या फिर उस प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। मतलब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रूल है और उसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया गया होगा, आपको एक ब्रैकेट में सेट टाइप का दिया गया होगा, उसमें एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हमने पहचानना होगा कि वो एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टीज़ पे हैं, किस रूल पे डिपेंड करते हैं, वो रूल हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा और उसको इंडिकेट करेंगे। क्या, सपोज दैट हमारे पास कोई सेट ए होगा, उसमें एक्स एलिमेंट होंगे, तो एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट का सिंबल। अगर यहां पे कहीं आपको ऐसे मिला है तो उसको बोलेंगे क्या, कैसा सिंबल, सच दैट का सिंबल। ठीक है, जैसे यहां पे से ये है, ये अगर कहीं पे आपको ऐसे दो सिंबल मिल रहे, समझ लो क्या लिखा है, सच दैट, मतलब वो प्रॉपर्टी शो कर रही है। मतलब एक्स ऐसा है कि वो ए प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। प्रॉपर्टी मतलब कोई प्रॉपर्टी पी हो जाएगी। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, तब अच्छे समझ में आएगा आपको। वी रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, मतलब एक्स ऐसे है कि सच दैट ईच एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज पी, मतलब एक्स ऐसे टाइप का है जो सभी एक्स हैं उसमें वो प्रॉपर्टीज पी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा नॉलेज अच्छे से मिलेगी और हमारा जो होगा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है? बिल्कुल है। अच्छा, क्या ये सभी नेचुरल नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल नेचुरल नंबर हैं, लेकिन ये जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं, वो 0 से बड़े हैं और क्या हैं, 7 से छोटे हैं। मतलब एक सेट हमारे पास ऐसा कोई आएगा जिसमें एक्स एलिमेंट जो आएगा वो एक्स इस प्रकार से होगा कि वो एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, किसमें, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर है, एंड ये जो एक्स है वो लेस देन 8 है, सॉरी 7 नहीं 8 है। ठीक है, क्योंकि ये 8 से छोटा, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 0 नेचुरल नंबर अगर हमने ले लिया तो वैसे ही 0 गायब हो गया, तो यहाँ पे 0 लिखने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे जो x है वो लेस देन 8 है। बात समझ में आई, इट इज़ क्लियर ऑल नॉट। तो हमने देखो कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया, जब इसको हमने नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं और हमें 0 नहीं लेना पड़ेगा इसलिए हमने 0 गायब कर दिया। अच्छा, तो हमारे पास ये जो फॉर्म आया इसी को बोलते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर एक्चुअल में इसका रिजल्ट देखें तो ए हमारे पास ऐसा कोई सेट है, ए हमारे पास क्या है, ऐसा कोई सेट है जिसमें जो है, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं एक्स, वो एक्स क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैं और ये एक्स जो है वो 8 से छोटा हो गया, ये हमारे पास नेट रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, राइट द सेट बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 7, 14 एंड 28 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें, इसमें क्या करना है कि आपको ये बी कोई सेट ऐसा दिया गया जिसमें आपको इसके प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, ये 28 है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ रूल दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है सच में, ध्यान से देखो तो एक आपको जादू दिखेगा इसमें। कैसा? ये जो लास्ट 28 है, तो 28 में 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 14 है, 28 है, मतलब ये 28 के सारे फैक्टर्स लिखे गए हैं। अगर देखा जाए तो ये सारे 28 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि b इज इक्वल्स टू, हमारे पास कोई ऐसा सेट x है, कोई x है कि x, x में क्या है, x इज अ क्या फैक्टर ऑफ, पहले इसको हटा दें, x इज अ फैक्टर्स ऑफ किसके, 28 के। ये हो गया आपका एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टी शो कर रही है वो बात समझ में। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोले इसको देखिए, राइट द सेट सी इज इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16 एंड 32। अच्छा इसमें कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखो दिखेगा, क्या दिखेगा, देखो ये 2 की पावर 1 लिखा है, ये 2 की पावर 2 लिखा है, ये 2 की पावर 3 लिखा है, ये 2 की पावर 4 लिखा है, ये 2 की पावर 5 लिखा है, लेकिन इससे आगे नहीं लिखा है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि सी हमारे पास ऐसा कोई सेट है इसमें कि जिसमें जो एक्स एलिमेंट्स हैं वो एक्स जो है वो इज इक्वल्स टू है 2 की पावर एन, और एन जो है वो हमारा एन क्या है, एन हमारा जो है वो जीरो से बड़ा है, क्योंकि अगर जीरो होता तो यहाँ पर वैल्यू वन होती, क्योंकि 2 की पावर जीरो होता तो वैल्यू वन होती कि नहीं होती, तो जीरो से बड़ा लेना है, लेकिन 6 से छोटा लेना है क्योंकि 5 तक है, ये 5 तक वैल्यूज है हमारी मिल रही है लेकिन 6 तक नहीं मिल रही है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, किसका, एग्जांपल नंबर 3 का। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है इसको जानने की कोशिश करते हैं। राइट द सेट डी -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। तो क्या हो रहा है, ये इवन नंबर्स है, ये 4 है, ये 2 है, ये फिर इवन 4, 2, 4, 6 है ना। तो अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, क्या ये 2n है, 2n है, बिल्कुल है। अब अगर हम n की जगह यहाँ पे 0 रखें, अगर हम n की जगह 0 रखें तो 0 मिल जाएगा, n की जगह 2 रखें तो 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 रखें तो 6 मिल जाएगा, अगर n की जगह हम -1 रखें तो -2 मिल जाएगा, अगर n 1 रखें तो 2 मिलता था ना, सॉरी 1 रखें 2 मिल गया, 1 -1 रखें -2 मिल गया, -2 रखें -4 मिल जाएगा, और -5, -3 रखें -6 मिल जाता था, मतलब वैल्यू 3 तक लाइज कर रही है हमारी, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे कि हमारे पास D ऐसा कोई सेट है कि इसमें जो x एलिमेंट हैं वो x इज इक्वल्स टू क्या है, 2n है, 2n है, मतलब इवन तो हैं लेकिन ये जो n है वो हमारा क्या है, क्या हमने 3 तक रखा था, तो ये है ना हमारा हो जाएगा किससे बड़े, -4 से बड़े हो, -4 से बड़ा और 4 से छोटा, -4 से बड़ा और 4 से छोटा, क्योंकि 4 2 8 हो जाता था लेकिन ये 3 तक गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 तक रखेंगे। तो ये हमारे पास कोई ऐसा सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 क्या बोला है। एग्जांपल नंबर 5 आपके सामने क्या है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। मतलब देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब अब की बार जो नंबर्स आपके मिल रहे हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्स ए, जो हमारे पास ई सेट है, ये जो ई सेट है वो है, इसमें जो एक्स एलिमेंट हैं, स्थाप लिखते हैं, ठीक है, इसमें जो ई जो सेट होगा, इसमें जो एक्स एलिमेंट हैं वो एक्स एलिमेंट इस टाइप से हैं कि वो 3n है, लेकिन यहाँ पे जो n है वो 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 7 से क्या है, छोटा है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या जा रही है, ये वैल्यू हमारी जा रही है 6 तक, तो ये 7 से छोटा ही तो आएगा, बिल्कुल हाँ या ना। नेक्स्ट चलते हैं, राइट द सेट G 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जो क्या है, आपके सामने सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, ऑड नंबर दिख रहे हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब सर क्या रहे, ऑड नंबर्स हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास G ऐसा कोई सेट है कि इसमें जो x एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो x सभी क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ऑड
नेचुरल नंबर्स, x इज ऑड नेचुरल नंबर, ये हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और एक एग्जांपल होगा, नहीं तो हम चलेंगे एक्सरसाइज भी इसके बाद। ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया भाई? हाँ चलिए, अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। 1.1 हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टाइप्स ऑफसेट के ऊपर, लेकिन सबसे पहले हम एनसीईआरटी का 1.1 कंप्लीट करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और ये सेट क्यों है इसको भी हमें बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले सभी सालों का, एक साल में जे से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ्स का जो सेट्स होगा क्या वो सेट है, उनका कलेक्शन जो होगा क्या वो सेट है कि नहीं है, तो देखते हैं। तो अच्छा ये बताओ, एक साल में कितने ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है, मतलब तीन हो गए, ये वेल डिफाइन है क्योंकि एक साल में पूछा है, रूल भी बताएं, लेकिन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ द इंडिया, अच्छा मोस्ट टैलेंटेड होने के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया गया है? बिल्कुल नहीं बताया गया है। जब मोस्ट टैलेंटेड होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, कोई रूल नहीं बताया गया है, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बताई गई है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास सेट नहीं हुआ। ए टीम ऑफ ऑल 11 प्लेयर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अच्छा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि इतने सेंचुरी जड़ी हो, इतने सिक्स मारा हो, एक ओवर्स में इतने छक्के मारे हो, एक ओवर्स में इतने रन मारे हो ना, तो ये सब कोई क्राइटेरिया दिया ही नहीं है, मतलब कलेक्शन है लेकिन ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, ये तो भाई वेल डिफाइन है क्योंकि आपके बॉयज़ में नंबर ऑफ बॉयज़ आपके फिक्स होंगे, वो आपको पता होंगे, आप अपने क्लास में जब काउंट करेंगे बॉयज़ को वो आपको फिक्स होंगे। जैसे नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस सभी नेचुरल नंबर्स, वो भी वेल डिफाइन है क्योंकि हमें जो नेचुरल नंबर्स लेने हैं वो 100 से छोटे लेने हैं, ये भी हमारा वेल डिफाइन कलेक्शन हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जिन्हें जितने भी क्या लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं, उनका कलेक्शन, तो जितने भी नोवेल्स लेना है वो हमें मुंशी प्रेमचंद जी के ही लेने हैं ना, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक सेट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, इसको देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सही है, इंटीजर्स लेने हैं लेकिन हमें क्या लेने हैं, इवन इंटीजर्स लेने हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक सेट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर्स में, इस सेट वाले चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चंस, ये आप अच्छे से काउंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कलेक्शन लिया है लेकिन इसी चैप्टर का कलेक्शन लिया है, तो ये विल डिफाइन हो गया, तो ये भी एक क्या हो गया, सेट हो गया। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या बात हुई, मोस्ट डेंजरस होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया इन्होंने, कोई रूल नहीं बताया कि जिनके पास सींग होंगे, जिनके बड़े बड़े दांत होंगे, जिनके पास बड़े बड़े बाल होंगे, ये सब कोई क्राइटेरिया बताई नहीं गई, कोई प्रॉपर्टीज बताई नहीं गई है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है ये हम देखते हैं, ये तो हम कर लिए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसको पढ़ते हैं, क्या बोला है इन्होंने, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ए हमारे पास कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक, मतलब हमने पढ़ा है कि अगर जो एलिमेंट्स इसमें होगा वो इसमें बिलोंग करेगा, अगर जो एलिमेंट्स इसमें नहीं है वो डज नॉट बिलोंग करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखते हैं क्या 5 इसमें है, 5 इसमें है, अरे ध्यान से देखना मेरे भाई, 5 इसमें है, बिल्कुल है क्योंकि ये 5 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू, है ना। 8 इसमें है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें है, ये 4 है इसमें, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू,
टू इसमें है, बिल्कुल है, तो टू भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। टेन इसमें है, नहीं है, तो टेन डज नॉट बिलोंग। बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और उसका मतलब कुछ नहीं होता। अगर इसमें है तो बिलोंग होगा, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ने तो आपने पढ़ा ही है, मतलब हमें इसमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, जो जो एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो लिस्ट करना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। अब एलिमेंट्स को लिस्ट करने के लिए, ठीक है, लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई सेट ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये बोले हैं x जो होगा वो माइनस तीन से बड़े होंगे या बराबर होंगे, तो माइनस तीन भी हो जाएगा इसमें, माइनस टू भी होगा, माइनस वन भी होगा, जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, फाइव भी होगा, सिक्स होगा, क्योंकि सेवन नहीं लेने हैं, सेवन नहीं लेने हैं, क्योंकि ये सेवन से छोटा बोला है। माइनस तीन हो सकता है, माइनस तीन से बड़ा हो सकता है, लेकिन सेवन से छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो देखेंगे। एक्स हमारा इस टाइप से कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, सिक्स से छोटे सभी नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर हमारा वन से, वन टू थ्री फोर फाइव एंड लेस देन बोला है, मतलब सिक्स नहीं लेना है। ठीक है, टिल सिक्स बोलता तो हम ले लेते, लेस देन सिक्स बोला है तो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, C is equal to x such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digits is 8. अच्छा, 8 होने के लिए हम स्टार्ट करते हैं क्या? ये 4 plus 4 हो सकता है, ये 3 plus 5 हो सकता है, अच्छा है ना, और ये 1 plus 7 हो सकता है, ये 2 plus 6 हो सकता है, और 0 plus 8 हो सकता है। ये तो 2-digit नहीं हुआ, ये 8 प्लस 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, तो x क्या है हमारे पास, सी ऐसा कोई सेट है जिसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो 44 हो सकता है, 35 हो सकता है, 80 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है। अब इसको उल्टा करके लिखें, फिर क्या हो सकता है हमारा 35, तो 53 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, और कोई नंबर, और कोई नंबर हमारे हिसाब से तो नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई नंबर मिल रहा है तो आप इसमें लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डी हमारे पास ऐसा कोई सेट है कि x उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, विच इज डिविजर ऑफ 60, जो 60 को डिवाइड करते हैं वो प्राइम भी हैं। क्या है? प्राइम है और 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से प्राइम नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, देखो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 3 5 भी हो सकता है, 7 नहीं है, 2 3 5 7, फिर उसके बाद हमें तो कोई नहीं लग रहा कि जिससे कोई प्राइम भी हो और ये क्या हो, 60 को डिवाइड भी करे, हो सकता है। अरे आप भी बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता है भैया। तो कितने नंबर्स आए हमारे पास? डी एक ऐसा एलिमेंट आया जिसमें सिर्फ क्या है, 2 3 एंड 5, और सारे जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नहीं होंगे, 2 3 5 जो है वो सिर्फ प्राइम होगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री लिख लो भाई। हमारे पास क्या है, एक सेट ई इस टाइप से है जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें पता है सेट में कभी लेटर जो डिजिट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई हो गया, ठीक है, अभी वाई हो गया, तो इतने हो गए, सब हो गए, टी आर आई जी एन ओ एम ई टी आर वाई, हो गया, मतलब सही है। तो देखो इसमें से कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ, फिर कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं है, है ना, तो सेट में कभी भी कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। ठीक है, तो लिख करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, कि हमारे पास एफ कोई सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, बेटर के एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो बी हुआ पहला, फिर ई हुआ, फिर टी हुआ, ठीक है, फिर ई तो नहीं लेंगे, फिर आर हो गया, क्योंकि ई और टी दो दो बार आए हैं तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे ना, हाँ या ना। चलिए, तो हमारा ये स्लाइड हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में, अच्छा ये नोट नहीं हुआ, एक बार आप लोग नोट कर लो इसको, हम हट जाते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यही आसान अभी हमने सीखा जस्ट इसके पहले. 3, 6, 9, 12, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है. मतलब अगर देखा जाए 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12. ये तो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा सर, है ये तो हो जाएगा आपका. 2, 4, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 4. अच्छा ध्यान से देखना, ये वही तो हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. ये तो वही वाला हो गया. मतलब हमारे अगर हम इसको लिखना चाहें कि सपोज दैट ये फर्स्ट वाले में ए हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसमें x सच दैट x इस टाइप से है कि x इज इक्वल टू क्या है हमारा 3n, लेकिन n जो है वो हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 4, 5. ये हो गया आपका पहला. अगर सपोज इसमें लिखें b हमारे पास ऐसा कोई सेट है कि जिसमें x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन जो n है हमारा स्मॉल n वो क्या है 2 की पावर 1 से है, लेकिन कितने छोटा है, वो छोटा है हमारा 2, 6 से, है ना. नेक्स्ट चलते हैं, इसको ध्यान से देखो, ये क्या 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 लिखा है. तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, किसी हमारे पास ऐसा कोई सेट है जिसमें x इस टाइप से हमारा कि x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और n जो है वो हमारा 5 से छोटा है. ठीक है, ये भी हो गया हमारा. नेक्स्ट 2, 4, 6. अच्छा ये तो आसान दिख रहा है, सारे इवन नंबर्स का सेट है. तो d हमारे पास ऐसा कोई सेट है कि जो x इस टाइप से है कि x इज इवन नेचुरल नंबर. ठीक है, x इज इवन नेचुरल नंबर. नेक्स्ट देखते हैं 1, 4, 9 to 100. देखो 1, 4, 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा. ये कहाँ तक गया है, 10 तक. 10 तक का स्क्वायर 100 होगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा है कि e हमारे पास ऐसा कोई सेट है कि ये जो x है वो x सच दैट इस टाइप से है कि x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर और ये जो n है वो क्या है, n belongs to natural number और ये जो n है वो less than 11 है. मतलब 11 से छोटा ही तो लेना है. ठीक है, x such that x n square, यहाँ पे देखोगे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का रखोगे तो यहाँ पे 10 तक जाओगे तभी 100 मिलेगा, उससे आगे नहीं जाना है. तो हमने यहाँ पे लेस देन 11 लिखा है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसको जानने की कोशिश करते हैं. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट लिखना है आपको. मतलब इसको लिस्ट करना है कितने सेट्स हैं. लिस्ट द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स लिखना है किसी भी सेट के. तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स. लिख लो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है जितना लिखना चाहो. ये क्या है, x सच दैट x इज n, मतलब x जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है. इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, लिख लो भाई. इसके बीच में हमारे जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे b इज इक्वल्स टू -1/2 से बाद क्या आएगा, 0 आएगा. क्या आएगा भाई, 0 ही आएगा. फिर क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3/2 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा हमारा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 5/2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा 7/2 आएगा, फिर हमारा क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, बस यहीं तक लेना है ना, यहीं तक तो लेना है. क्योंकि ये अगर 9/2 कर लेंगे तो 9/2 तो हमें लेना ही नहीं है, हमें यहीं तक जाना है. 4/8/2 मतलब 4 आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. सी हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट्स है, x सच दैट x इज n, x स्क्वायर लेस देन 4 और ये इंटीजर है. ठीक है, लेस देन 4 और 4 हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमारा 0 हो सकता है. ठीक है, 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या -1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होगा. -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अब इससे बड़ा नहीं लेना है हमें, है ना. चलिए, तो हमारे पास जो
सी सेट आया वो इस टाइप से आया. नेक्स्ट डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. लॉयल में जितने वर्ड्स हैं उनका सेट लिखते हैं. चलो तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओ वाई ए लोया, क्योंकि एल फिर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, है ना. ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. 31 ये तो आप कर सकते हैं, आपको इसमें करना क्या है, एक साल में जितने ऐसे महीनों का सेट लेना है, ऐसे महीनों को लिस्ट करना है जिसमें आपके 31 डेज होते हैं. नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रोसीड्स बाई के. प्रोसीड्स बाई के, तो देखो के आगे जितने भी अल्फाबेट में आपके कॉन्सोनेंट हैं उसको लिखना है. आप हमारे पास एफ ऐसे कोई सेट बनाना, इसमें लिखना के बाद जितने भी कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे के एल एम एन ओ तो नहीं लेना है, पी क्यू आर एस टी यू नहीं लेना है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया इसके, है ना, ये हो गया इसके सेट, हो गया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखो ये क्या है आपका, ये है आपका मैच फॉर द फॉलोइंग, मतलब मैच करना है क्या कौन सा है. 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 एंड 6 इसमें कुछ मैच कर रहा है. एक्स इज एक्स प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 6, 6 के डिवाइजर है, प्राइम तो नहीं है लेकिन 6 के डिवाइजर है लेकिन प्राइम नहीं है. एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, हाँ ये सही है क्योंकि इतने सारे नेचुरल नंबर है तो हमें इसको मिला सकते हैं इसमें. 2 3 ये, हाँ ये इसमें मिल सकता है क्योंकि प्राइम नंबर्स भी और 6 का डिविजिबल भी है. मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये है और जो बचा इसमें हो जाएगा, है ना. तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और हम उसमें ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे. तो आई होप आप लोग वीडियोज़ को अच्छे से इंजॉय करेंगे. इस ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूअस होने वाली है एकदम, तो आप इस लेक्चर्स को एंजॉय करिए, आपका क्लास 11th का क्या है टेंशन ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये मैथ्स हमारे जिम्मेदारी पे है तो हमारे ऊपर एकदम भरोसा रखिए, हम आपको एकदम फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू.